ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपके उसके पास तो नहीं जा सकती, इसलिए आपके पैर छू के माफी मांग रही हूं। उनसे कहना कि हो सके तो मैं उन्हें माफ कर दे। एक लड़की सुहागन के कपड़े पहन के घर छोड़ती है, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। कैसी मजबूरी? किसी और के साथ भागने की, या फिर चंडीगढ़ जा रही थी फिल्मों में काम करने? जवाब दे मेरी बात का। आपके दोस्त बहुत अच्छे इंसान है, मेरी ताई जी ने बहुत कुछ बताया था मुझे उनके बारे में। इससे पहले इंसान को मैं जिंदगी भर का दर्द कैसे दे देती? इसलिए अपनी शादी छोड़कर भाग गई। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बता। जो आपके दोस्त के साथ मेरा ब्याह हो जाता तो भी मैं ज्यादा समय साथ नहीं निभा पाती। डॉक्टर ने बोला कि मुझे कोई बहुत खतरनाक बीमारी है पेट की। बोला कि बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर बाद उसकी हालत सुधरने लगी और फिर जो लड़की मेरे सामने थी वो एक बहुत बड़ा अपराध करके भागी एक कमजोर सी लड़की नहीं, एक बहुत हौसले वाली जिंदगी से भरी लड़की थी जो जीना चाहती थी पर जानती थी कि जी नहीं पाएगी। तूने अपने घर वालों को बताया है इस बीमारी के बारे में? मैंने नहीं बताया किसी को। क्यों नहीं बताया अपने परिवार को? कब बताती, थोड़े दिन पहले की तो सारी बात है। बीजी और बाऊजी तो शादी की तैयारी में लगे थे तो मुझे बद्री चाचा के साथ भेज दिया उस डॉक्टर के पास। उस मुए ने वड़ी वड़ी सुइयां लगा के मेरा आधा खून तो ऐसे ही निकाल लिया था। फिर बोला 3 दिन बाद आना, और जब गई तो बोला आपके खून की जांच की है। बेटा तू तो गई, मुए ने बताया भी तो कब, यहां से 1 दिन पहले, कि मैनू कोई बड़ी गहरी बीमारी और ज्यादा नहीं जीने वाली हूं। पहले तो सोचा अब की करा, किसको जाके बताऊंगी ये सब। फिर सोचा बताऊं भी तो बताऊं क्या, कि ये लो जी डोली नहीं आरती उठाने की तैयारियां कर लो सब। फिर मैंने सोच लिया कुछ नहीं बताना किसी को। मैं घर वालों और दुनिया वालों की गालियां तो सुन सकती हूँ, लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरे बीजी और बाऊजी मुझे मरता हुआ देखे। पर अब तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कब निकल ली। बस अब मेरे बुढ़ा बुढ़ी बैठकर कोसते रहेंगे मैनू। कम से कम मुझे याद करके रोएंगे तो नहीं? ये तो नहीं सोचेंगे कि अपनी कुड़ी नू बचा नहीं पाए। अब बहुत गुस्सा होना मुझसे, मेरी वजह से आपकी दोस्त की बारात खाली हाथ लौट गई। पर एक गल दसो मैनू, एक ऐसी लड़की जो कभी भी लाश बन सकती है, उसको ब्याह के ले जाने से तो अच्छा ही हुआ ना कि बारात खाली हाथ लौट गई। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कमजोर बीमार सी लड़की के रूप में याद रखे।
मैं तो चाहती कि जब भी कोई मुझे याद करे तो एक हंसती हुई खुश रहने वाली अमृता सबको नजर आए। इसीलिए भाग गए मैं तो। बस दो चार दिन सब मुझे जी भर के गाली देंगे, फिर सब आगे बढ़ जाएंगे। किसी को याद नहीं रहेगा कि अमृता नाम की कोई थोड़ी थी भी। देखा आपने, आप तो मैनू जानते तक नहीं हो, फिर भी आपको दुखी कर दिया। तो सोचो जो मेरे अपने होंगे उनको कितनी बड़ी तकलीफ दे देती। भागती नहीं तो और क्या करती, भागना तो बनता ही था। मेरे सामने एक ऐसी लड़की थी जो मौत का सामना करने को, उसके साथ खेल खेलने को तैयार हुई पड़ी थी। इतने कम वक्त में वो रोना नहीं हंसना चाहती थी, मौत से पहले मरना नहीं हर पल को जीना चाहती थी। हम ना अच्छी अच्छी बातें करता है। अब बताओ आपको खाने में क्या पसंद है? मैनू तो ना राजमा वड़ा पसंद है। आपने कभी गन्ना खाया है मक्खन में डुबो के? रब दीसो इतना स्वाद लगता है, खाकर देखना। मुझे माफ कर दो अमृता, न जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। बिना तेरा सच जाने, बिना तेरा सच समझे, माफ कर दो मुझे। आप कहाँ कुछ बोल गए, मेरे होते हुए कोई कुछ बोल जाए, ऐसा मौका ही कहाँ देती हूँ मैं। रतन, उस वक्त उस पे दया भी आई और तकलीफ भी हुई कि ऐसी कुड़ी के साथ अन्याय हुआ है, इसको जीने देते। कोई महल या सात गांव की जमीन पे अपना हक थोड़ी मांग रही थी वो, उसने तो अपने जीने के लिए कुछ साल मांगे होंगे, ब्याह करके बच्चे पैदा करना मांगा होगा। आजा यहां, आजा आग के पास। अजय ना, इतनी जल्दी नहीं जाना आग के पास, थोड़ा तो जी लू। इतनी बहादुर कुड़ी है तू, लेकिन तेरी हंसी के पीछे छुपा हुआ हर दर्द मुझे दिखाई देता है। मैंने ना रब से बहुत शिकायत, थोड़े और साल नहीं दे सकते थे मुझको जीने के लिए? कम से कम अपने सारे अरमान तो पूरे कर लेती, यहाँ करती, बच्चे पैदा करती तो हाँ कर बन के जाती। पर अभी तो आधी अधूरी से जा रही, सारे सपने अपने साथ मिले। पहले तक मैं भी आम लड़की जैसी थी, सपने देखती थी ब्याह के, मेहंदी के लिए जिद करती थी। जब मैं किसी दूसरे के बच्चे को देखती थी ना तो बोलती थी मेरी कुड़ी तो इससे भी गोरी और बहुत सोनी होगी। इतना इंतजार था मैंने अपने ब्याह का, पर कभी कभी डर जाए कैसा लगेगा जब एक लड़की से एक औरत बनूंगी। मौका जब उस इंसान से मिलूंगी जिसको अपना सब कुछ देकर
सब कुछ पालूंगी, पर अब सारे सपने, सारे अरमान मेरे साथ ही चले जाएंगे, अधूरे से, कच्चे कच्चे, कभी जान ही नहीं पाऊंगी कि किसी के साथ का मतलब क्या होता है, किसी आदमी को छूने का एहसास क्या होता है। पर ऐसे सीधे सच्चे सपने भी पूरे नहीं हो रहे थे उसके रतन, फिर भी उसकी कोई शिकायत नहीं थी। मैं ही क्या, ऐसी इंसान से कोई भी मिलता तो उसके हौसले, दर्द सहने की ताकत, कोई भी उसका कायल हो जाता। मुझे ना मौत का ना तो डर है, ना ही दुख है, मौत तो एक ना एक दिन कोई आनी है, तो इस बात का कि जो अरमान पूरे कर लेती तो खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाती, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। रतन, मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा, कभी बोला भी नहीं। वो औरत मुझे दुनिया की सबसे पवित्र औरत लगने लगी, जिसके चेहरे पे कोई पाप, कोई छल नहीं, वैसे ही जैसे तू मुझे हमेशा लगती है। और मुझे लगा कि मेरे सामने वो नहीं, तू है रतन। और उस पल एक बार फिर मुझे तुझसे प्यार हो गया। गलत होकर भी, किसी और के होकर भी उस पर क्यों रुके हो, क्यों दवाई देते ही निकल नहीं गए वहां से, क्यों? अगर निकल जाते तो दुनिया नहीं हो जाती, हमारा बच्चा हमारे पास होता, मेरे पास होते आप। अच्छा सा मेरी वीरा का पहला खिलौना। वीरा ए देख, कितना रंगीन सा है ना। अच्छा सा मेरी वीरा का पहला खिलौना। वीरा ए देख।
वीरा, ए देख, तेरा पहला खिलौना। अच्छा है ना? कुछ कुछ जगह खाली है, वो मैं कैसे भी करके भर लूंगा और फिर तू इसके साथ खेलना। और उससे पहले ये बीज को दिखा के आ जाऊं। बीजी, बीजी, ए देखो मेरी वीरा का झूला रहे मैंने बनाया। देखो ना बीजी, ये मेरा बनाया हुआ पहला खिलौना है मेरी वीरा के लिए। चंगा है ना बीजी? बीजी, वीरा तो इसे देख के ही खुश हो गई थी, हंस रही थी। अभी थोड़ा बहुत करना बाकी है, पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैं इसे वीरा के सामने टांगूंगा। पुत्री, पर इसे हवा में कैसे टांगेंगे? हवा में तो कीले भी नहीं मार सकते। और जी कोई गल नहीं, ये मैं अपने हाथ में ही लेकर खड़ा हो जाऊंगा मेरी वीरा के सामने। ठीक है ना बीजी? बीजी देखो ना, अच्छे से बनाया है ना मैंने। देखो ना बीजी, बीजी बताओ ना, अच्छे से बनाया ना मैंने। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं बता दो, पापा जी के आने से पहले मैं वो भी पूरी कर दूंगा। फिर मैं ना पापा जी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएंगे कि उनके पीछे से मैंने मेरी वीरा के लिए कितना अच्छा खिलौना बनाया है। अरे छोटे चंद, तूने तो बड़ी चंगी चीज बनाई है, अपने दोस्तों को नहीं दिखाएगा? जा जाकर दिखा। ओ हाँ मुड़िया जी, ये तो आपने बड़ी चंगी गल की है, मैं वीरा को भी लेके जा रहा हूँ अपने साथ। रतन, ये लिखा है गुड्डू ने, मैनू भी पढ़ के बता किधर गया है। हाँ कुछ तो लिखा है ना, बताओ ना मेरे को भी पढ़ के। नहीं जय जी, ये खत उन्होंने जाने का फैसला लेने से पहले लिखा है। इस खत में अपने भूल से जुड़ी हर वो बात लिखी है जो वो मुझे बताना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे, टूटे पड़े थे अंदर से, खुद भी गिर पड़े थे, पर मैंने हाथ नहीं आगे बढ़ाया उनकी तरफ। जिंदगी का हर सुख दुख बांटने की कसम खाकर भी मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया अपना बोझ उठाने को। चाची जी, क्यों चाची जी, हम औरतें अपने पति को हमेशा भगवान क्यों बना देती हैं? क्यों मान लेती कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती? मैं भी भूल गई कि वो एक इंसान भी है, हो गई उनसे गलती, पछतावा था उनको, बहुत पछतावा था। जिस आग में मैं और मेरा घर जला, उसी आग में उनका दिल कब से जल रहा था। मैंने तो अपनी भड़ास निकाल दी, पर उनको मौका नहीं दिया मैंने। नहीं समझ पाई मैं कि जिस दर्द को मैं अब सह रही हूं, उसी दर्द का जहर बनाकर वो कब से बूंद बूंद पी रहे थे। उनका वो दर्द, उनका पछतावा इस खत खत के हर शब्द में छुपा दिखता है। ये क्या कर बैठी मैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।